स्टार कोचिंग ने ये सवाल किया है कि या खबीरू पढ़ने के फायदे और या खबीरू का अमल बताइए। तो आइए इस वीडियो में आपको या खबीरू पढ़ने का एक बहुत ही ज़बरदस्त गज़ब का फ़ायदा बताता हूँ कि जिसकी ज़रूरत आपको है, हमको है, सबको है। और अगर किसी ने ये फ़ायदा हासिल कर लिया तो उसे लाखों करोड़ों अरबों का फ़ायदा हो सकता है, बड़े नुकसान से बच सकता है और बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक, बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, या खबीरू मतलब ये रब तबारक व तआला के सिफाती नामों में से एक नाम है, और या खबीरू का मतलब है कि ऐ दिलों की बात को जानने वाले, दिलों के राज को जानने वाले, और ये इस्म, ये नाम जलाली है। इस नाम का पढ़ने वाला जो सौ सौ बार रोज़ाना पढ़ता है वो अपने नफ्स पर और शैतान के धोखे से बचा रहता है, उसे नफ्स से लड़ने की ताकत मिलती है और शैतान के धोखे से बचाव होता है इंशाल्लाह। और अगर इसका जो गज़ब का फ़ायदा है कोई हासिल करना चाहे, ज़बरदस्त फ़ायदा कोई हासिल करना चाहे, तो उसका तरीका ये है कि जुमेरात को रोज़ा रखा जाए, जुमेरात के दिन रोज़ा रखा जाए और अव्वल वक्त में इशा की नमाज अदा किया जाए। और अब ये अमल इशा की नमाज के बाद शुरू किया जाएगा इस तरह से कि शुरू में और बाद में 11 बार सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 11 बार शुरू में और आखिर में, यानी अव्वल आखिर 11 11 बार ये आयत पढ़ी जाएगी। और 1100 बार या खबीरू या खबीरू या खबीरू पढ़ के सो जाए। और जो कुछ भी वो मालूम करना चाहे, जो कुछ भी जानना चाहे, जिस काम का भी इस्तखारा करना चाहे, वो सवाल अपने दिल में दिमाग में रचा ले, बसा ले और इसी नियत से वो करे और पूरे विश्वास के साथ, अकीदे के साथ, दिल की गहराई के साथ करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी रात में उसको दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। जो कुछ भी वो जानना चाहेगा उसको बता दिया जाएगा, जो कुछ भी वो देखना चाहेगा ख्वाब में दिखा दिया जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है और इस फायदे के ज़रिए, इस तरीके पर अमल करके बंदा चाहे तो बड़े नुकसान से बच जाए, चाहे तो वो जो कुछ भी जानना चाहे जान ले, चाहे वो लाखों करोड़ों का फ़ायदा हासिल कर ले, चाहे वो कुछ भी जान के समझ के बच जाए या फ़ायदा हासिल कर ले। बीमारी है, बीमारी के बारे में मालूम कर सकता है, चोर के बारे में मालूम कर सकता है, और एग्जामिनेशन में जो है पास फेल का पता कर सकता है, कहीं जा रहा है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बीमारी है या भूत है, इस तरह से वो कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। और कई लोग जो है किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सोचते हैं कामयाबी मिलेगी या नहीं, तो कामयाबी मिलेगी या नहीं इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से ये अमल बड़े गज़ब का हो जाता है, बड़े काम का हो जाता है और बड़े फ़ायदे का हो जाता है। तो यह खबीरू पढ़ने के फ़ायदे तो यूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो है नफ्स और शैतान पे गलबा हासिल करने के लिए और किसी भी काम के लिए इस्तखारा करने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने या समझने के लिए, जानने के लिए, ये आसान सा अमल इस इस्म के ज़रिए, इस नाम के ज़रिए किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे अमल नक्श के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।